आठवले ने राहुल पर लगाया भ्रामक दुष्प्रचार करने का आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने राहुल के खिलाफ केंद्र सरकार पर देश में आरक्षण हटाए जाने के भ्रामक दुष्प्रचार, बयानबाजी और तथ्यहीन आरोपों के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करने की मांग की है। आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता जनसभाओं में देश के संविधान पर खतरा बता रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के खिलाफ जनता के बीच में ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि भाजपा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है कि वे संविधान को बदल सके। इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी पर मिथ्यारोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर केवल अपने राजनीतिक हित साध रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, लेकिन कांग्रेस ने सदा से देश विरोधी ताकतों का ही परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन ही किया है। लंबे समय तक देश की सत्ता संभालने के बाद भी कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी किसान मजदूर वंचित व अन्य वर्गों को न्याय देने में पूर्ण रूप से असफल साबित हुई है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कराकर महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। भारतीय संविधान को किसी से कोई खतरा नहीं है और एनडीए सरकार ने सदैव ही संविधान के द्वारा लोक कल्याण हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कल्याण का कार्य किया है।